आज है 23 अगस्त और अभी मेरी 1 घंटे में ट्रेन है सुबह 11:20 की और अभी 10 बज रहे हैं और मैं वर्कआउट करके अभी उठा हूँ। भाई क्या बताऊँ कितना हेक्टिक शेड्यूल है, आधे घंटे पहले पहुँचना है मुझे को ट्रेन स्टेशन, अब तो नहाने जाना है, तो जूते हाथ में उठा के अब नहाने जा रहा हूँ। वर्कआउट करना रोज़ ज़रूरी है भले ही डांट खा लूँ। तो सबसे मिल लिया हूँ, सबसे खर्ची ले लिया हूँ और अब हम चलते हैं नानू के साथ, नानू छोड़ने जा रहे हैं और बहुत मज़ा आया, इट वॉज अ फन ट्रिप, अमेजिंग। बाय बाय मनन, मनन बाय बाय, व्लॉग को बाय कह दो, बाय। तो 11:20 की ट्रेन है और हम 11 बजे पहुंच चुके हैं स्टेशन पे। मास्क नहीं उतार सकता बिकॉज स्टेशन पे पहनना ज़रूरी है और बस चढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ। प्लेटफॉर्म नंबर 8 तो जाते ही था, प्लेटफॉर्म नंबर 9 वहाँ है, तो बस सामान बहुत है और सबसे खर्ची मिल गई तो अजीब सा लग रहा है। एक दिन के लिए आया था मैं, चलो कोई नहीं, देखते हैं सही प्लेटफॉर्म है कि नहीं। हाँ सही है। सो फाइनली अराइव्ड एट द स्टेशन और सब पहले से खड़े हो गए थे तो बेसिकली सब खाली है और अभी रुकेगी शायद ये ट्रेन यहीं पे। सारा सामान मैंने नीचे कर लिया है और पहली बार एसी चेयर कार में बैठा था, इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस एंड यू शुड कम आल्सो। ये न्यू दिल्ली से चलती है और लखनऊ तक आती है, बीच में कानपुर का स्टॉप था तो 5 मिनट कानपुर रुकती है, हर स्टेशन में 5-10 मिनट रुकती है स्टेशन के हिसाब से। और बाय द वे ये तेजस एक्सप्रेस नहीं थी, ये नॉर्मल ट्रेन थी बस। कानपुर से हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे चले थे और यहाँ पे लखनऊ पे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हम लोग रुके। सो लेट्स सी क्या सीन है, अभी मेट्रो पकड़ते हैं और चलते हैं। स्टेशन से उतर गए थे और कानपुर और लखनऊ में स्टेशन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लखनऊ में भीड़ थी, कानपुर में भीड़ नहीं थी, पता नहीं क्यों, लेकिन अभी मेट्रो में पहुंच गए और ये अपने लखनऊ मेट्रो का कार्ड है, अगर कोई लखनऊ से नहीं है तो इनकेस उनको पता चल जाए। और अभी रिसेंटली लखनऊ मेट्रो को फास्टेस्ट मेट्रो बनने का इंडिया में अवार्ड दिया गया है, जो 4 साल में कंप्लीट हुआ था पूरा वर्क CCS एयरपोर्ट तक का, नहीं तो 2-2.5 साल में बन गई थी जितनी मेट्रो, मतलब 10-12 स्टेशन 2-2.5 साल में बन चुके थे विद रनिंग मेट्रो, तो प्राउड बात है यार लखनऊ के लिए। और
गवर्नमेंट के लिए भी कि जल्दी कुछ काम हो। बस घर पहुंच के सारी डिटेल्स देता हूँ और ब्लॉग बंद करते हैं। और जितना भी ब्लॉग बना है, मतलब सारा बिना ट्राइपॉड और बिना माइक से बना है। मेट्रो आ रही है, मैं जा रहा हूँ। घर पे पहुंच गए और पैदल पैदल मेट्रो से आए हैं। जो मज़ा आया ना भाई, आजकल जो कैलोरीज बर्न हो रही हैं, जो कानपुर में खा के आए हैं, वो आई थिंक गल गई हैं अब तक। बिकॉज वहाँ पे आज सुबह वर्कआउट भी किया था, जबकि एक घंटे में ट्रेन थी मेरी, और फिर खाया भी, चाय भी पी कोकी के साथ, मज़ा आ गया। और ज़्यादा खाने का मन भी नहीं किया आज। इट्स सो फकिंग ग्रेट डे गाइज, सच अ प्रोडक्टिव डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और अगर मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरी लाइफ का काम पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ। को देखिए, पिद्दू सबसे पहले आता है प्यार करने के लिए। परी भी है यहाँ पे, हाय कह दो परी ब्लॉग को। मिस किया मुझको राखी पे? मैंने तो किया यार, हम लोग की मासी चाची कोई हम लोग की पिक नहीं है, उसकी ड्रेस खिंचवा के फिर से लेनी है। वहाँ पे मेरा बहुत मन था रुकने का, लेकिन ट्रेन की टिकट भी हम लोग ने कटवा ली थी। थैंक यू सो मच मामी अगेन, अगर आप ये ब्लॉग देख रही हो तो। अगर किसी को पता नहीं है तो मामी ने कटवा दी है टिकट, भी आ गया। बाय। और हम लोग ने बहुत मज़ा किया कानपुर में। वहाँ पे मतलब क्या क्या बताऊँ, वहाँ बहुत कुछ था। अभी कल रात को मैंने बिरयानी खाई, वेज वाली, सोया वाली, वहाँ की फेवरेट है। और कल सोया चाप भी खाया, और आज सुबह फिर वर्कआउट भी किया, और अभी ट्रेन में मतलब स्टेशन में भाग दौड़ भी हुई, तो बहुत पतले हो रहे हैं। मतलब जितना खाया सब निकला है। तो आपके बाल राखी देख सकते हैं आप लोग, इतनी सारी राखियाँ हैं। आप तो ज़्यादा नहीं, तो नहीं मेरी ज़्यादा है। मैंने तो पूरी उतार दी, तो मेरे को बहुत खुली हो रही थी। हाँ, तो मज़ा आया मेरे को कानपुर में। थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन जो जो मेरे को रोक आ रहे थे भाई। मैं मेरा भी मन था रुकने का, लेकिन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग सबकी भी कमिटमेंट्स हैं, मेरी भी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जो मुझे करना ज़रूरी हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर से इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे यार। मेरे भी काम थे और जिम रोज जाना है, तो हम रुक नहीं पाए। बहुत मज़ा आ गया, नानी ने बहुत कुछ भेजा। नानी को हमने बोला, नानी खाने का मत भेजो भाई, बहुत कुछ करता है नानू। नानी को बहुत मन करता है खाने का कुछ भेजे, लेकिन हम लोग क्या इतना नहीं खा पाते हैं हम लोग, भले ही जो भी हो, फ्रूट्स भी हो, एप्पल भी हो, चिप्स भी हो, क्योंकि हम लोग इतना नहीं खा पाते। नानी आत्मा मन कर दिया है। और नानी ने बड़ा भेजा है, जो पानी में डाल के थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और बस यही है, थैंक यू नानू नानू, थैंक यू। और पता है आप लोगों को व्लॉग में मैं ये बता रहा हूँ, मेरे को लास्ट में गिफ्ट भी मिले, खर्चियाँ भी मिली है। मैंने कहा भाई बस करो यार, ये सब नहीं चाहिए मेरे को। मैं परफ्यूम नहीं लेके गया था, पता नहीं सबको कैसे परफ्यूम ही मिल रही थी, एकदम कोइंसिडेंस था कि परफ्यूम ही मिल रही है गिफ्ट में जब जा रहा हूँ। तो सही है भाई, परफ्यूम और एक डीओ मिली, आई एम जस्ट लविंग इट। थैंक यू सो मच एवरीवन, और लाइक कर देना गाइस ब्लॉग को दिल से।